देखते हैं 27 नंबर। यहाँ देखिए x इक्वल टू में दिया हुआ है 3 sin t माइनस का sin 3t, और y का वैल्यू दिया है हमें dy by dx डिफाइन करना है t इक्वल टू पाई बाई 3 पर। चलिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dx by dt इक्वल टू में 3 cos t माइनस का साइन का क्या हो जाएगा cos 3t और 3t का 3। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं किसको, 3 को, तो cos t माइनस का cos 3t हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ cos c माइनस cos d के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 2 sin क्या हो जाएगा, 2 sin c plus d by 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यह फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर देने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू में 3, यहाँ पे cos t है ना जी, cos t है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू में 2 sin t प्लस 3t बाई 2 sin 3t माइनस टी बाई में 2। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू में 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4t बाई 2 यानी 2t sin 2t, और यहाँ हो जाएगा आपका sin सब में 2t आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब नाउ देखिए y इक्वल टू में आपका क्या था, y इक्वल टू में है आपके पास 3 cos t माइनस cos 3t, 3 cos t माइनस cos 3t। अब चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा यहाँ पर dy बाई में dt इक्वल टू में माइनस का क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है ना जी, तो 3 sin t माइनस साइन का cos हो जाएगा, तो प्लस का cos का साइन हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा और उसका माइनस साइन होता है ना, तो ये माइनस और ये माइनस इसका प्लस हो गया, और 3t का यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, dy by dt इक्वल टू में यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा sin 3t माइनस का sin t, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, sin c माइनस sin d के लिए 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, यह होता है ना फॉर्मूला। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy by dt इक्वल टू में 3 इंटू में 2 cos 3t प्लस t बाई में 2 sin 3t माइनस t बाई में 2। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, dy by dt इक्वल टू में आ जाएगा 6, यहाँ पे 4t बाई 2 यानी cos 2t हो जाएगा, और यहाँ पे sin t हो जाएगा, इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या हो जाएगा dy by dt बाई में dx by dt इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 6 cos 2t sin t बाई में, उसका इक्वेशन फर्स्ट में क्या था जी, 6 sin 2t cos 2t sin t, 6 sin 2t sin t, ये ना था जी, देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से dt से dt हटा देते हैं, 6 से 6 गया, sin से sin गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका dy by dx इक्वल टू में cot 2t आ गया। अब देखिए हमें कितना पे निकालना था जी, हमें निकालना था पाई बाई 3 पर। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं एट t इक्वल टू पाई बाई 3 पर हो जाएगा dy by dx इक्वल टू में cot 2π/3। तो एक काम करते हैं, cot π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का cot π/3, cot π/3 यानी इसका आता है 1/√3, -1/√3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट